सभी मित्रों का फिर से स्वागत है ओशो टीम की ओर से। तो दोस्तों, जो हमारी जो ओशो टीम है, वो सभी जितने भी ओशो सेंटर हैं पूरे भारत में, तो उन सब की जो डॉक्यूमेंट्री और जो हर एक सेंटर के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन है, तो वो निस्वार्थ भाव से ये काम करते हैं। तो जो हमारे स्वामी जी हैं, गौतम गुरुजीएफ जी, तो वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस संदर्भ में। तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है सभी मित्रों से कि जो भी हमारी पोस्ट होती है ओशो टीम की, ओशो सेंटर्स करके यूट्यूब चैनल है, तो आप उसको शेयर अवश्य अवश्य करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों को पता चल पाए सही से जानकारी। क्योंकि एक एक से एक छोटी से छोटी बारीक बातें हम लोग बताते हैं। आज ये 2 दिन पहले बर्फ गिरी थी और आप देख सकते हैं कितना सुंदर मौसम है। वेरी ब्यूटीफुल सीन ऑल अराउंड यू कैन सी। स्वामी ओंकार, हम यहाँ पर कुछ जगह पर गए थे जैसे ट्रैकिंग के लिए और नीचे सोलंग वैली में। इसके अलावा यहाँ पर और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ बिल्कुल आसानी से जाया जा सके, कंफर्ट और बहुत सुंदर हो, जो नेचुरल हो? एक तो जो यहाँ पे वशिष्ठ है, उसमें जो गर्म पानी का चश्मा है, जो सल्फर वाटर जो होता है, वहाँ जा सकते हैं। फिर वहाँ से जोगनी फॉल के लिए ट्रैक है कोई घंटे भर का, और मेरे मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो मनाली की सबसे सुंदर जगह है। उसके 2 पॉइंट हैं जनरली, जहाँ 90% टूरिस्ट जाते हैं, वो एक नीचे वाला उसका पॉइंट है, और एक है जो अप अप साइड पे है, तो उसके लिए ट्रैक लगता है 1.25 घंटा, तो वहाँ जा सकते हैं। फिर सोलांग वैली के साथ में ये अंजनी महादेव टेम्पल, तो जैसे अमरनाथ में बर्फ का एक शिवलिंग बनता है, तो वो यहाँ भी बनता है, और कोई 3-4 महीने रहता है, 30 से 40 फीट उसकी हाइट हो जाती है बहुत। तो ऊपर से जो पानी गिरता है, वो एक शिवलिंग बना हुआ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर जगह है, और बहुत बड़ा शिवलिंग हो जाता है एकदम। उसके अलावा अब जो टनल खुली है, जो टनल बनाई है सरकार ने, तो वो रोहतांग टनल टनल। या अटल टनल जो जिसका नाम है, तो अटल टनल क्रॉस करके भी अब हम रोहतांग जा सकते हैं। और जो टनल के उस पार की जो दुनिया है, वो अलग ही है, जो लाहौल स्पीति तो क्या इस वक्त हम लाहौल जा सकते हैं जैसे बर्फ के अंदर? एक्चुअली अभी जैसे आज धूप निकली है तो जा सकते हैं, क्योंकि काफी काम किया है बीआरओ ने, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने बहुत काम किया है 10,000 फीट पे, और वो उस बर्फ क्लियर कर देते हैं जाने के लिए। बस थोड़ा ध्यान रखना होता है, थोड़ी सेफ्टियां जो गवर्नमेंट की हिदायतें हैं जो। हाँ, जो हिदायतें हैं गाइडलाइन में, उनका ध्यान रखना पड़ता है। फिर नगर कैसल है, आर्ट गैलरी जा सकते हैं आप, हमटा पास जा सकते हैं, हमटा पास बहुत सुंदर जगह है, जहाँ हम गए थे वो ट्रैकिंग के लिए, वो लामा डूब ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये चोटी, इसको क्रॉस करके जाना होता है। कोई हमें लगे थे कोई 6-6.5 घंटे, बड़ी मस्ती के साथ गए थे। तो ट्रैक तो बहुत हैं, बिरगु लेक का ट्रैक है, हमटा पास है, फिर लद्दाख के लिए हम लोग जा सकते हैं, लाहौल में जिस्पा है, उदयपुर है, केलांग है, उदयपुर में आता है त्रिलोकीनाथ मंदिर भगवान शिव का, तो वो एक ऐसा मंदिर है जिसको बौद्ध भी मानते हैं, और जो हिंदू धर्म के मानने वाले भी हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई एक ऐसा प्लेस है जिसको सब मानते हैं। बहुत सारी जगह हैं, आपको मिनिमम 10 दिन चाहिए, और अगर आप अच्छे से इसको जीना चाहते हैं, 2-3 दिन में इतना लंबा सफर करना मेरे को नहीं लगता कि ठीक है। तो अच्छी जगह है, आप जब भी जहाँ जहाँ जाना चाहें ना, वो बहुत सुंदर है। स्वामी जी का तो बचपन गुजरा है ये सब जगह देखते देखते, तो इन्होंने तो इतना देखा है, जिया है। अब तो स्वामी जी बता रहे हैं कि पहले 3 महीने वो जमीन नहीं दिखती थी, मतलब इतना स्नो से कवर होता था ये, और अब तो खैर आप देख सकते हैं दिसंबर में भी, हालांकि स्नो काफी है पर ठीक ठाक है, अभी भी बर्फ सीजन अच्छा जाता है। तो सभी का स्वागत है हम कल सब की शायद ओर आधा से। फिट बर्फ गिरी है कल, आधा पौना फिट। हाँ, करीब 1.25 फिट था, 9 इंच बर्फ थी। तो स्नो इन दिनों मनाली में ही रहता है, समझो मार्च, आधे मार्च तक तो आपको यहीं मिल जाता है। सेब का सीजन, फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स का सीजन कब से कब तक, किस महीने में रहता है ये? शुरू हो जाता है यहाँ पे जून जून एंड से,
यूनेट से नाशपाती, फिर उसके बाद से तो काफी सारी चीजें, फिर उसके बाद तो प्लम है, प्लम तो जो मई में शुरू हो जाता है। बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे अनलिमिटेड हैं एक्चुअली, तो बहुत इतना व्यवस्था है प्रकृति की। मनाली एक ऐसी जगह है आप 12 महीने रह सकते हैं, इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं होती। तो अब आप देखो गर्मी जैसा लग रहा है, मैं एक सिंगल टी शर्ट में बैठा हूँ, तो बहुत सुंदर है एकदम नीला आकाश। तो जिस जिसका भी कभी रहे तो वो हमें संपर्क कर सकता है, और स्वागत है सभी का मनाली में। और हमारे साथ हैं माँ प्रेम असीमो, स्वामी ध्यान आनंद, स्वामी ध्यान आकाश, और मैं अनुभव राकेश। एक्चुअली अब मैं ओंकार अनुभव हूँ, तो राकेश को मैं जाने देता हूँ क्योंकि वो बचपन से मेरा नाम। तो हाउ योर एक्सपीरियंस हियर इन दिस प्लेस? This place very nice, very beautiful, and I like view from this house. I like walking here and see on this view mountain, and this is very good place for meditation, very silence. Okay. Energy is fine. Grace, I feel grace here. Okay, you feel grace here. Yes, and we have meditation hall. Yeah. हमारे पास वी क्रिएटेड बुद्ध फील्ड, यस, एंड इफ एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग वी आर मेडिटेट। ओके, एंड दिस प्लेस इज नियर टेंपल हडिंबा टेंपल, यस, हडिंबा मंदिर के नियर फॉरेस्ट, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट रिवर। जब हम ये वेरी मैग्निफिकेंट, ये बिल्कुल हमारे साथ में ही हिडिंबा मंदिर है, ये जो फॉरेस्ट आप देख सकते हैं, आप कैमरे को अगर उधर करेंगे तो बहुत वो देख पाएंगे। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये जो फॉरेस्ट है ये हिडिंबा मंदिर का है, और उसके बाद रिवर आ जाती है ओल्ड मनाली की तरफ। तो बहुत सुंदर है यहाँ, एक गर्म पानी के चश्मे हैं बहुत सारी जगहों पर, तो सब कुछ है। प्रकृति ने यहाँ ठंड दी है और उसके साथ सब तरह की व्यवस्था की है कि गर्म पानी भी यहाँ, हॉट स्प्रिंग वाटर आल्सो है। और स्वामी जो ध्यान आकाश, जो राज स्वामी हैं, जो जिनका फेसबुक आईडी है आप उन्हें ऐड कर सकते हैं, राज स्वामी के नाम से उनका आईडी है, तो ये प्रॉपर्टी उनसे बिलोंग करती है। और स्वामी जी ने सिर्फ एकांत को भरपूर जाना है पूरी तरह से, वो बचपन यहीं पैदा हुए और आज इसी पूरे, ये सड़क से शुरू होती है पूरा, और ये जो गार्डन है अभी, ये सेब के बगीचे जो आपको सूखी झाड़ी लग रहे हैं, तो ये सेब के पेड़ हैं, सब हरा भरा होता है, पर सीजन के साथ चेंज, व्यू चेंज, टेम्परेचर चेंज, क्लॉथ चेंज, फूड चेंज आल्सो। He is very careful. Very He making good breakfast, good food, tasty. Yes, yes. And very, very new design room, fresh. I like also. हम चाहते हैं कि सब बेहतर हो, लेकिन बहुत सारे मित्र हैं कि आना चाहते हैं, तो वो ये हिडिंबा मंदिर के नजदीक पड़ता है दिल्ली से, और आप आ सकते हैं, और स्वागत है आपका हिमालय में। तो मनाली आप देख ही सकते हैं जो ये पूरा माहौल है यहाँ पे। तो कभी भी आप जब मनाली आए तो ये जो हमारा सेंटर है ये पड़ता है बिल्कुल हडिंबा मंदिर के साथ में ना, और ये विंटर सीजन है तो सुंदर तो इन्हीं दिनों में होता है मनाली, क्राउड भी नहीं होता, बहुत भीड़ नहीं होती, और जब बर्फ गिरती है बड़ी गहन शांति होती है। तो मैं ओशो टीम की ओर से स्वागत करता हूं सभी का मनाली में, क्योंकि हर एक सेंटर हमारा अपना घर है, चाहे पूरे भारत में कहीं भी फैले हैं, और जो भी मित्र अपनी क्षमता के हिसाब से जो भी काम कर रहा है वो सराहनीय है, निंदनीय बिल्कुल नहीं है। तो आप आनंद लें, ये दृश्य खूबसूरत हैं, उम्मीद है कभी मिलना रहेगा सबसे। थैंक यू।